हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पर। आज के समान अध्ययन के टेस्ट में आपको एक प्रश्न के जवाब देने के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गंडक परियोजना किसे दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश एवं बिहार। ऑप्शन ए इसका सही है। आपको बता दें कि गंडक परियोजना एक नदी घाटी परियोजना है। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश एवं बिहार दोनों राज्य लाभ लेते हैं और नेपाल देश भी गंडक परियोजना से लाभ लेता है। अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस किसको कहा जाता है। इसका सही जवाब है माइटोकांड्रिया को। ऑप्शन सी इसका सही है। माइटोकांड्रिया की खोज अल्टमान ने 1886 में किए थे। अगला प्रश्न है, राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में कब किया गया। इस अगला प्रश्न है, राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में कब किया गया। इसका सही जवाब है 2002 में। ऑप्शन बी इसका सही है। राज्य में मानव के अधिकारों के संरक्षण हेतु इस आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 को किया गया। अगला प्रश्न है, राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान कहाँ है। इसका सही जवाब है लखनऊ। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था। इसका सही जवाब है वन कटाई से। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव क्या है। इसका सही जवाब है प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता। ऑप्शन डी इसका सही है। आपको बता दें कि मानव एक सर्वाहारी है, इसलिए मानव प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसका सही जवाब है कर्नाटक। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है। इसका सही जवाब है जर्मेनियम। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। इसका सही जवाब है गुजरात। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी इसका सही है। आपको बता दें कि यह उद्यान तमिलनाडु राज्य के कोयटुम्बर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस तिथि को चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में शहीद हुए थे। इसका सही जवाब है 27 फरवरी 1931। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, लठमार होलिकोत्सव कहाँ मनाया जाता है।
इसका सही जवाब है बरसाना में, ऑप्शन सी इसका सही है। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष फागुन माह में बरसाना में लठमार होली मनाई जाती है, जिसमें स्त्रियां पुरुषों के ऊपर लाठियां बरसाती हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? इसका सही जवाब है तांबा, ऑप्शन डी इसका सही है। आपको बता दें कि तांबा लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। अगला प्रश्न है, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? इसका सही जवाब है जय संहिता, ऑप्शन डी इसका सही है। आपको बता दें कि जय संहिता से पहले महाभारत का नाम भारत महाकाव्य था। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चलने वाली समझौता एक्सप्रेस चलती है? इसका सही जवाब है अटारी एवं लाहौर के बीच से, ऑप्शन बी इसका सही है। आपको बता दें कि समझौता एक्सप्रेस की शुरुआत 22 जुलाई 1976 में हुई थी। अगला प्रश्न है, लवकुश बैराज कहाँ अवस्थित है? इसका सही जवाब है कानपुर, ऑप्शन सी इसका सही है। आपको बता दें कि लवकुश बैराज कानपुर के गंगा नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व भाग लेता है? इसका सही जवाब है मैग्नीशियम, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार बिजली का संबंध तार से है, उसी प्रकार पानी का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है पाइप, ऑप्शन डी इसका सही है। जिस प्रकार बिजली तार में प्रवाहित होती है, तार प्रवाहित होने का साधन है, उसी प्रकार पानी का प्रवाह होने का साधन पाइप है। अगला प्रश्न है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र वाहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? इसका सही जवाब है फुफेरी बहन, ऑप्शन सी इसका सही है। इसमें देखिए, साइमन ने कहा है वह मेरे पिता की एकमात्र बहन, मतलब मेरे पिता की बहन की पुत्री है, तो इसलिए वह फुफेरी बहन हुई। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।